फोर चल रहा है हमारा, तो गुरुकुल डे फोर के बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर। सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हो और क्या बोलना चाह रहे हो कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, तो सर ठीक है अगर आप यही बोलना चाहते हो तो मैंने बोला देखो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को करा जाए और बहुत दिल से करा जाए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और सिस्टमेटिक प्रकार से इससे है कि अगर एक ये क्वाड्रिलेटरल है जो एक किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो इसकी अपोजिट साइड से मतलब ए बी और सी डी जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना 90 सप्लीमेंट्री। तो सर इस पूरे क्वेश्चन में टू प्रूफ किस तरफ जाता है, तो टू प्रूफ जाता है इस प्रकार से कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना 180, ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना 180। अब सर कैसे और किस प्रकार से ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू कितना 180, तो सर इसमें कैसे करेंगे और क्या करेंगे आप, तो मैंने बोला देखो दोस्तों अच्छे से और आराम से मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा रेडियस बना लो, रेडियस आर आर यहां से भी ऐसा आर मतलब ये सर्कल वैसे यहां पर टच करना चाहिए इस प्रकार से, इसको बना लेते हैं ऐसा, ठीक है दोस्तों आर और यहां से भी ये क्या है आपके पास आर, ये बात तो आर 90 बनाता है इधर भी 90 होगा, तो मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ फिर आप समझ जाइएगा बाकी ट्रायंगल्स के बारे में। मैं बोलना चाहता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ इसको नाम देते हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है ना, पी क्यू आर एस इन ट्रायंगल ए ओ पी ए ओ पी एंड ए ओ क्यू इन ट्रायंगल व्हाट ए ओ क्यू, अगर बच्चे साथ में चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, AO is equal to AO common है, तो ठीक है अच्छी बात बोली आपने, AO is equal to AO क्या है common, AP is equal to AQ क्योंकि दोनों क्या है tangent है, AP is equal to AQ ये तुम्हारे लिए क्या हो गया दोस्तों tangent, और ये OP is equal to OQ क्योंकि आपके लिए क्या है radius। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ triangle AOP is congruent to triangle AOP is congruent to triangle AOQ by SSS by what SSS, तो अगर ये SSS से congruent है मतलब इसकी ये साइड is equal to ये common ये दोनों, तो मैं बोलना चाहता हूँ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना x, सर आप बाय CPCD लिखना चाहेंगे, मैंने बोला हाँ अलाउ करो तो मैं ऐसे लिखना चाहूंगा कि बाय CPCD एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना, सर बातें करना चाहूंगा यहां से सेम सिमिलरली बोल देंगे जो अपना थ्री और फोर रहेगा, सिमिलरली क्या बोलेंगे सिमिलरली हो तो ट्राइंगल्स के नाम लिख सकते हो कौन कौन से नाम, बीओपी जो बीओपी रहेगा एंड बीओएस रहेगा उसमें कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू कितना, तो सर इसको आपने वाई वाई मान लिया, मैंने बोला हाँ वाई वाई मान लिया, ऐसे ही यहाँ पे फाइव और सिक्स एंगल, तो एंगल कौन सा डीओएस डीओएस और आरओक्यू डीओएस और आरओक्यू
में भी क्या हो जाएंगे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू जेड. तो इसको क्या मान लिया अपन ने, जेड और जेड. तो ऐसे ही और कौन सा ट्राइंगल ले लें, आर ओ सी दिख रहा हो तो आपको, तो सर आर ओ सी और अगर अपन लेके चले तो सिमिलरली ट्राइंगल आर ओ सी एंड क्यू ओ सी ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल. तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू. तो सर आप बोलना क्या चाहते हो, मैंने बोला देख 1 2 क्या होगा एक्स एक्स, 1 2 एक्स एक्स, 3 4 वाई वाई, 5 6 जेड जेड और 7 8 क्या डब्ल्यू डब्ल्यू. इन शॉर्ट इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस कितना एंगल 8 इज इक्वल टू कितना होगा 360 इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, गोला बन रहा है ना पूरा ये. तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360. तो सर अगर ये सब 360 हो गए तो इसका अर्थात क्या, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब प्लस जेड प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना 360. जितना मुझे समझ में आ रहा है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाए 180 प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 180. x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास. तो सर आपको यही प्रूफ करना था क्या, हाँ चेक कर लो आपका जो एंगल ए ओ बी बोल रहे थे आप, चेक करो फिगर में एक प्रकार से जो ए ओ बी है, ए ओ बी वो है एक्स प्लस वाई, जो सी ओ डी है वो है डब्ल्यू प्लस जेड. तो आपको यही तो प्रूफ करना था, क्या सर वो प्रूफ हो गया, मैंने बोला हाँ वो प्रूफ तो हो गया. तो क्या सर ये आज का पहला गुरुकुल डे का बढ़िया सा क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ दोस्तों मुझे तो ये अच्छा लगा पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन, अगर आप भी देखेंगे तो. हाँ बेटा बोल सर, इसमें जैसे आपने टेंजेंट बात कर, मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के इफ, फाइंड के इफ इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. अभी सर किसी भी इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स है तो उनका डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाए 0. ठीक है ना, b इसमें k है, a की जगह पे क्या है आपके पास 2 और c की जगह पे क्या है आपके पास 6. तो सर अगर कोई भी इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो उनका डी क्या रहेगा 0. तो बी स्क्वायर मतलब कौन सा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना 0. इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जितना मैं सोच रहा हूँ 4, इसको लिख दूंगे 2 इंटू 6 को 2 इंटू 2 इंटू 3. सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा, मतलब देख a इज इक्वल टू बता 4 का रूट कितना होगा 2, इस 2 का रूट भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट. तो ऐसे केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3. सर ऐसा एक और क्वेश्चन कराओ ना, गुरुकुल डेट 2 में ये क्वेश्चन तो था, मैंने बोला हाँ जानबूझ के भी ऐसा एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि k वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे. अगर मैं आपको बोलू इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square माइनस
4x plus k equal to 0 has equal roots, then find k. सर अगर हम आपसे बात करें तो आप ये बोलना चाहते हो कि रूट्स इक्वल हैं, तो d मतलब b square minus 4ac equal to कितना हो जाएगा 0. सर b कितना है हमारे पास minus 4, a कितना है 1 और c कितना है k. तो minus 4 का whole square is equal to 4 into 1 into k. That 16 by 4 is equal to k. सर k कितना आ जाएगा इसमें 4. सर एक क्वेश्चन और बनता है क्या? मैंने बोला चलो यार एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन आपकी और मेरी मर्जी से सिस्टमैटिक रूप से. सर कैसा क्वेश्चन? मैंने बोला यार लिखो और अपन लेके चलें आप लोगों के लिए ही, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखो. इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन k प्लस 1 into x square minus 5x plus equal to 0 are equal, okay, are equal, find the roots. अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हाइपोथेटिकल लिया है. समझाने की बात यह है कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हर बार क्या हो रहा है 4ac, हाँ कि ना. इसमें एक बार नई क्वाड्रेटिक बनेगी, चेक करते हैं उसके रूट्स आ पाते हैं कि नहीं. तो बी कितना आएगा आपके पास माइनस 5 का होल स्क्वायर 4, ए की जगह पे कितना है आपके पास के प्लस 1 और सी की जगह पे कितना है आपके पास के, सी की जगह पे कितना है के. तो क्या अपन इस क्वेश्चन के लिए बोल सकते हैं क्या 25 is equal to 4k square plus 4k, 4k square plus 4k minus 25 is equal to 4 into 25 minus 100 आ रहा है. क्या 4 को कहीं पे ऐसा तोड़ सकते हो क्या कि 100 आ जाए या minus 100 आ जाए? तो ऐसा exactly तो root possible नहीं. तो आप इसको बोल सकते हो क्योंकि देखो ना 4 को ऐसा स्प्लिटिंग नहीं कर सकते जिससे एग्जैक्टली कितना आ जाए 100, क्योंकि जितना मुझे पता है 12 into 8 करोगे तो वो होगा आपका शायद 84, 13 into 9 करोगे तो भी नहीं हो पाएगा. तो बोल सकते हो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ, इज नो रियल वैल्यू ऑफ के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो सर अच्छा ही है, मैंने बोला हाँ मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक बार आप यहां तक देख लो सिस्टमेटिक कर लो, हो जाए तो फिर मुझे इन तीनों क्वेश्चन के बाद. तो सर अगर अपन गुरुकुल डे का प्योर क्वेश्चन लें थर्ड, तो सर आज अच्छा क्वेश्चन है वाला, देखिएगा आपको मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक को भी लिख लो हैशटैग ट्रिक कि इफ एम टाइम्स द एमथ टर्म of AP, m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, then which term will be zero? चलें क्या दोस्तों? अब ये जो क्वेश्चन है वैसे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा ऐसा टफ नहीं है, लेकिन साथ में चलो समझ में आएगा. ये बोल रहा है m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, लिखते जाओ एक साथ. इसका मतलब वो बोल रहा है m into mth term का मतलब ही क्या, a plus m minus 1 d, n into यहाँ पे कितना a plus n minus 1 d,
एम ए प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी एन ए प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है ना। तो एम ए प्लस कितना एम स्क्वायर माइनस एम डी, एन ए प्लस कितना एन स्क्वायर माइनस एन डी। सर इसको अगर इधर ले लें और इसको अगर इधर ले लें तो यहाँ पे एम ए माइनस एन ए बन रहा है और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन डी माइनस एम स्क्वायर माइनस एम डी बन। मैंने बोला हाँ मतलब बात तो सही है। और अगर यहाँ पे मैं माइनस ए कॉमन ले लू, जान मुझ के ले रहा हूँ माइनस ए, ब्रैकेट में आ रहा है एन माइनस है, चेक करना ए इधर भी है ए इधर भी है, मैं ए कॉमन नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा आई एम टेकिंग माइनस ए कॉमन, ठीक है। अब अगर अपन इस पे बात करें अच्छे से तो यहाँ पे डी ब्रैकेट में क्या आता है एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, तो सर ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए ब्रैकेट में एन माइनस एम डी। सर इन दोनों को साथ में लिखने का दिल कर रहा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर मैं इसको और इसको साथ में लिखूं तो आ जाएगा एन माइनस एम। सर एम के आगे माइनस क्यों आया, तो एम के आगे माइनस लिया कि उसके ब्रैकेट के बाहर क्या ले लिया माइनस, तो एन एम तो क्या था प्लस था, लेकिन उसको माइनस क्यों आया क्योंकि अपन ने उसके ब्रैकेट के बाहर ही क्या ले लिया माइनस, ठीक है ना। सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑफलाइन एग्जाम होती है तो बिल्कुल एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर अपन बात करें माइनस ए एन माइनस एम डी, इसको ढंग से देखिए तो बताओ ये क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन माइनस एम एन प्लस एम इनटू ब्रैकेट में कितना एन माइनस। सर कुछ मजा आने वाला है, मैंने बोला बहुत मजा आने, आप चेक कीजिए माइनस ए एन माइनस एम, क्या इधर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या दोस्तों, अगर इधर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं एन माइनस एम। और सर अगर अपन बात कर लें अच्छे से यहाँ पे डी तो ब्रैकेट में क्या रहेगा एन प्लस एम माइनस वन, एन माइनस एम से एन माइनस वन एम गेट कैंसिल, इनको एन प्लस एम ऐसे ही आ गया और यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन। अब मैं इस वाले ए को इस तरफ भेज रहा हूँ यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, तो इस वाला ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी। तो इससे क्या हुआ चेक कर, क्या इसी को अपन ए ऑफ एम प्लस एन बोल सकते हैं, ए ऑफ एम प्लस एन का मतलब क्या होता था, कोई खोलेगा तो क्या बोलेगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी, हाँ कि ना। क्वेश्चन में ये पूछा था कि एम टाइम्स द एमेट अगर इक्वल टू है एन टाइम्स द एनेट तो कौन सी टर्म ऑफ एपी, मतलब कौन सी टर्म क्या रहेगी जीरो, विच टर्म ऑफ एपी वुड बी जीरो, विच टर्म ऑफ एपी वुड बी जीरो, कौन सी टर्म जीरो रहेगी। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई देखो a of m plus n automatically क्या बन जाएगी zero। तो सर ये ट्रिक क्यों है, ये ट्रिक क्यों है और इसका काम क्या है, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन तो दे रहा हूं बट इसका काम जो है वो ये है, कभी भी देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली करना हो सिक्स टाइम्स द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, तो तुमसे पूछ रहे हैं कौन सी टर्म जीरो हो, तुम डायरेक्ट ले सकते हो देखो ये m है और ये क्या है n, तो बिना सॉल्व करे भी आप समझ सकते हो कि उसकी 11th टर्म क्या होगी जीरो 6 प्लस 5। अगर आ जाए 12 टाइम्स द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 3rd टर्म तो उसकी कौन सी टर्म जीरो होगी 15th टर्म। अगर मैं बोलूं 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स द 9th टर्म तो कौन सी टर्म जीरो 16। चेक करना है किसी एक को, अगर चेक करना हो तो लोग किसी को भी चेक करके देखो कि 9 times the 7 term of an AP is equal to 9 times the 9 term, मतलब 7 times the 7 term is equal to 9 times the 9 term, करें क्या, तो क्या हो जाएगा 7 into A plus कितना 60
इज इक्वल टू 9 इंटू कितना ए प्लस 8d, एम आई राइट? खोलो इसको कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 9a प्लस 72d. कोई मुझसे पूछे कि सर इस a को इधर ले ले, कैमरा जिस तुम्हारी इच्छा, सबको इधर ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9a माइनस 7a कितना हो जाएगा 2a, और 72 माइनस 42 कितना हो जाएगा 30. टू कॉमन ले लूं क्या, तो 2 काट लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 15d इज व्हाट, 0. क्या a प्लस 15d a ऑफ 16 होती है क्या, चेक कर लो, अपन ने पहले बोल दिया था कि इसकी 16 टर्म क्या रहेगी, 0. तो क्या सर ये क्वेश्चन उम्दा लेवल का भी है और काम का भी है? तो द आंसर इज यस, ये क्वेश्चन उम्दा लेवल का भी है और पूर्ण रूप से काम का है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले आप उनको फिर से पूरा देखने दो या पूरा फिर से करने दो. तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेप बाय स्टेप आप ट्राई करेंगे तो मजा आएगा. अगर अपन बात करें तो सर किस गली पे जाएंगे, किस गली पे जाएंगे अगर अपन बात करें, तो मेरे पास क्वेश्चन है अगला आप लोगों के लिए इस प्रकार से कि अ स्पायरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, अ स्पायरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स टू सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली increases by 0.5 centimeter in each round. Each round with 0.5 centimeter as initial radius. If there are 13 such circles, If there are 13 such circles, find the length of the chord. Find the length of. अभी सर क्या हुआ, ये हमारे पास वायर थी, रेडियस कितना 0.5, ठीक है ना. अब फिर से जो नया बना उसका 0.5 और बढ़ गया, मतलब अब इस वाले का बड़े वाला सर्कल का रेडियस कितना हो गया पूरा 1. फिर तीसरा वाला ऐसा बढ़ रहा है, उसका रेडियस कितना हो गया 1.5. फिर चौथा वाला और बढ़ रहा है 2. तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो है, सेमी सर्कल्स के रूप में वायर चल रही है, सेमी सर्कल्स के रूप में. तो मेरे को लगता है सेमी सर्कल्स का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr. लेकिन अगर सेमी सर्कल्स की बात करें तो आपके पास क्या चल रहा है सेमी सर्कल्स में, आपके पास चल रहा है πr, ठीक ना, πr प्लस 2r होता है. क्यों करना, लेना ही क्यों है r, ठीक है ना, तो πr. हाँ πr सर, ये भी सही. सर ऐसे कितने सर्कल्स है, 13. ऐसे कितने सर्कल्स है, और हर बार जो रेडियस है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब अगर पाए आप कॉमन लोगे तो रेडियस 0.5 है, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है 1.5 है, फिर कितना है 2 है, अब तो कितना है 13 सर्कल्स, कितने सर्कल्स है 13, मतलब n 13 है. क्या आपको इसमें a मिल गया, a कितना है 0.5. सर रेडियस कितना है, सॉरी d कितना है, d सर d भी 0.5. अच्छा n कितना है, n 13. तो क्या आपको इन सब का सम निकालना है, हाँ कि ना, तो आपको सम टू 13 सम निकालना है. इसका फॉर्मूला होगा 13 बाय 2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, जो कि डी कितना होगा आपका 0.5, कितना होगा आपका 0.5. सर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ जाएगा 6.5, 1 प्लस 12 into 0.5, 6.5, 12 into 0.5 is 6 plus 7, 6.5
इंटू कितना आपके पास 7, सही है कि नहीं सर? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू बी, तो सर जो भी इसका आंसर आया, जितना मुझे लग रहा है इसका आंसर आना चाहिए कहीं ना कहीं 47.5। इतने मीटर की वायर लगेगी ऐसी रंगोली बनाने में। अगर चेक करें तो अ वेल हुज डायमीटर इज, अ वेल हुज डायमीटर इज 7 meter, whose diameter is 7 meter, dug 22.5 meter deep and earth dug out is evenly spread around to form an embankment which is 1.5 meter wide. Find the height of embankment. सर अगर आप हमसे बात करना चाहें कि क्वेश्चन बोल कर है, बोले क्वेश्चन बोल रहा है कुआं खोदा, कितना खोदा? 22.5 मीटर हाइट से, ठीक है ना? रेडियस कितना था इस कुएं का? 7 मीटर, 7 मीटर डायमीटर था, तो 3.5 क्या था इसका रेडियस, 7 मीटर इन डायमीटर था, 22.5 मीटर कुआं खोदा। सर इसकी जो गिट्टी है, जो इसकी गिट्टी है अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें, इसकी गिट्टी निकाल निकाल के आसपास फेंक दी गई। आसपास फेंकने से यहाँ पे पूरा एम्बैकमेंट तैयार हो गया गिट्टी से भरता भरता, मतलब कुआं जितना पूरा गहरा होता पूरा आधा तो मिट्टी से भर जाता है ना इधर उधर। तो सर ये जो एम्बैकमेंट तैयार हुआ उसमें ये तो 3.5 था और यहाँ पे ये 1.5। और सर बात तो सही बोल रहे हो, मैंने बोला हाँ ट्राई करता हूँ सही बोलने की। तो अगर अपन बात करें तो ये पूरा अगर अपन लिख के चले 3.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 5, मतलब जो बड़ा वाला रेडियस हो गया वो कितना हो गया 5। मैंने तो एक ही बात बोली, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एम्बैकमेंट, मतलब आई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, जो एम्बैकमेंट में दो आर है ध्यान रखिए, एक छोटा आर है और एक बड़ा आर है, तो पाए बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर इनटू एच, पाए से पाए क्या हो गया कैंसिल। अगर अपन आर की बात करें तो आर छोटा वाला कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितना है 22.5, भले बड़े वाले आर की बात करो तो यहाँ पे आर है कितना बड़ा वाला 5, तो बड़े वाले के केस में क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर इनटू कितना एच। अगर मैं बात करूं और अच्छे से बात करूं 3.5 इनटू 3.5 इनटू 22.5 इज इक्वल टू, मैं तो बोल रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लें क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या ए प्लस बी